नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। पीसीबी डिजाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम, लैब व्यू हो गए, आपके पास इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए जो आपको आगे चल करके आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप एक सर्किट डिज़ाइनिंग में हो या फिर स्कीमेटिक डिज़ाइन कर रहे हो, लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो, इस सारे सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी मैं रिसेंटली अभी MOSFET के मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि MOS कैपेसिटर के बारे में बताया, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपके साथ शेयर कर रखा, कैपेसिटर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ MOSFET, कि MOSFET क्या होता है, MOSFET में इन्हांसमेंट टाइप क्या होता है, डिप्लीशन टाइप क्या होता है, कैसे एक इसमें जो VGS होता है या VDS होता है, ड्रेन करंट होता है, क्यों अगर हम ड्रेन करंट को अगर बहुत ज़्यादा हाई अगर मुझे करना है, क्योंकि ड्रेन करंट की एक लिमिट होती है जो सैचुरेट कर जाता है, बट अगर मुझे सैचुरेशन रीजन से भी ऊपर अगर ड्रेन करंट को लेके जाना है, कैसे लेकर के जाएंगे, चैनल कैसे फॉर्म होगा, क्यों मोस्टली हम पी टाइप सब्सट्रेट को यूज़ करते हैं, इन विल क्या होता है, पी सब्सट्रेट क्या होता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी, हर चीज़ के बारे में आज की वीडियो में बात होगी, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस करेंगे द कंस्ट्रक्शन को, जो क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द MOSFET। अगर आप कंस्ट्रक्शन को नहीं समझोगे तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं समझ सकते हो MOSFET को। तो अगर आप MOSFET प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो से आप एक फंडामेंटल चीज़ों को समझोगे, क्यों एक MOSFET को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है, तो करंट ट्रांजिस्टर आपका ट्रांजिस्टर BJT जो है वो कैसे आपका एक करंट कंट्रोल डिवाइस की तरह काम करता है, वहीं MOSFET आपका जो होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस की तरह काम करता है, सारी चीज़ों का आंसर आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ जो कि है हमारा MOSFET के बारे में, और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरा कोई भी, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को जा करके देखो, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देखोगे तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ MOSFET का, वो आपका MOS कैपेसिटर या कैपेसिटर का बात कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर से ही आया है, जो कि उसका उसी का एडवांस वर्जन है बेसिक MOSFET। तो MOSFET को मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि MOSFET जो बनता है आपका बेसिक दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है MOS और अनदर वन इज योर FET, यानी MOS का मतलब होता है बेसिक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एंड व्हाई मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सो इट इज़ बेसिक अ कंस्ट्रक्शन, ये क्या है आपका एक कंस्ट्रक्शन है। वहीं जब हम बात करते हैं FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, सो दिस इज एन ऑपरेशन, दिस इज एन ऑपरेशन, तो हम इन दोनों चीज़ों को लेकर के आज की वीडियो में आपको आपके साथ चलने वाले हैं, क्योंकि MOS कैपेसिटर मैंने पूरा का पूरा आपको प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है कि एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मैंने आपको इसका बना के रखा है MOS कैपेसिटर का, आपको मैंने MOS कैपेसिटर एंड मैंने आपके साथ नॉर्मल कैपेसिटर दोनों का सेपरेट वीडियो है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट करना कि MOS और कैपेसिटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों इसमें सेमी कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर रखी है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में, दैट इज़ अबाउट द MOSFET। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको आज क्लियर हो जाएंगी, आज की वीडियो में आप समझ जाओगे। अभी मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ MOSFET के बारे में, कि MOSFET कितने तरह का होता है, MOSFET का क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ें सारी आपको ऑपरेशन के बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि सब अभी आप कोई भी क्वेश्चन अभी मत करना, अप्रॉक्सीमेट मैं बोलूँगा 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, बट अभी आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप आँख बंद करके बस आप सुनो, समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अपने माइंड में उस चीज़ को रिपीट करो कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये इस तरह से होना चाहिए था, जो भी आपके डाउट है, ठीक है। अभी 15 मिनट आप मुझे टाइम दो कि आप 15 मिनट पहले समझो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बेसिक एक मैं यहाँ पे जस्ट एक मैं पी टाइप सब्सट्रेट लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला है कि अभी आपको कोई डाउट नहीं पूछना है कि क्यों पी टाइप लिया, एन टाइप क्यों नहीं ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। अभी मैं पी टाइप पे भी बात नहीं करूँगा, अभी मैं आपको एक बेसिक सा मीनिंग बताऊँगा द कंसेप्ट ऑफ एन डायोड, सॉरी। सो जब डायोड के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा, तो बेसिक आप देखते हो ये होता है डायोड का सिंबल, ठीक है। दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन डायोड। सो
ये साइड होता है बेसिक P, ये साइड होता है आपका N। करंट फ्लो कैसे करता है, तो करंट फ्लो करता है आपका P, जो करंट फ्लो होता है दैट इज P टू N करंट यहाँ पे फ्लो करता है। और एक डायोड जो होता है बेसिक, ये कब होता है, तो लेट से कि अगर मैं बोलूँ ये P टाइप का वोल्टेज है और ये N टाइप का वोल्टेज है, तो एक इसमें केस आता है, दिस इज अ केस वन। मैंने डायोड का एक वीडियो बनाया था, आप देखना, अगर आपको और नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं डेफिनेटली डायोड पर भी वीडियोज बनाऊंगा। तो केस वन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपका VP ग्रेटर देन होगा VN, यानी P साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा N टाइप से, तो ये जो केस आपका होता है ये बेसिक होता है फॉरवर्ड बायस। और डायोड बिहेव करता है एज एन अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। डायोड कैसा बिहेव करेगा, एज एन अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। वहीं अगर मैं केस टू की बात करता हूँ, तो केस टू में क्या होगा बेसिक, कि अगर आपका पी साइड का वोल्टेज अगर एन टाइप से कम हुआ, यानी एन टाइप का वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गया, तो ये आपका काम करता है एज एन अ रिवर्स बायस, ठीक है, एज एन अ रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में डायोड बिहेव करेगा एज एन अ ओपन सर्किट, ठीक है। डायोड रिप्लेस हो जाएगा एज एन अ ओपन सर्किट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियल डायोड, ठीक है, अगर आइडियल डायोड की तरह काम करते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ये रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट आपको मैंने जस्ट अभी बताया, क्यों बताया, अभी ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सो हम अब आएंगे थोड़ा सा आपके के साथ मॉस्फेट पे। तो जब मैं मॉस्फेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एज पर द नेम सजेस्टेड मॉस्फेट, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक मेटल, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक मैं क्या लूँगा, एक मैं बेसिक लूँगा पी टाइप का सबस्ट्रेट, ठीक है, दिस इज अ बेसिक पी टाइप सबस्ट्रेट, पी टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है। मेरे को मॉस्फेट डिज़ाइन करना है बेसिक, एक कंस्ट्रक्शन बनना, मैंने एक पी टाइप का क्या किया, एक सबस्ट्रेट ले लिया है, ठीक है। अब इस पी टाइप के सबस्ट्रेट में मैंने आपको मॉस्फेट का मतलब बताया था बेसिक, दैट इज़ एन अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सो दिस इज एन अ पी टाइप सबस्ट्रेट। पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक जस्ट मैं लेयर लगाऊंगा जिसे हो, जो कि होगा आपका बेसिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। व्हाई आई एम चूजिंग एन SiO2, SiO2 बेसिक जो है वो सिलिकॉन प्लस ऑक्साइड, यानी सिलिकॉन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो बेसिक बन रहा है SiO2। और SiO2 एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर सिंपल टर्म बात करूँ तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, वेयर एज जो आपका पी टाइप होगा ये बेसिक एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्या करेगा बिहेव, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये समझो कि मैंने मॉस्फेट के बारे में बात किया, दैट इज़ अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो मैंने क्या किया, एक मेटलिक पार्ट लिया, बेसिक बोला कंडक्टर, अभी मेटल आया नहीं है, मेटल अब आएगा यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। तो मेटल में क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे एक थिन लेयर, आप देख सकते हो, मैं बहुत ही अच्छे से थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मेरे को डायग्राम में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस नहीं डायग्राम बनाने का, ठीक है। दिस इज एन अ मेटल कॉन्टैक्ट, ये क्या है आपका बेसिक, मेटल का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका कॉन्टैक्ट, मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एक मैंने मेटल का कॉन्टैक्ट बनाया, ये क्या है आपका, ये है आपका बेसिक ऑक्स SiO2, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अभी इसका पूरा फुल फॉर्म आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेसिक, इस पी टाइप में दो मेरे को वेल डालने हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा वेल होता क्या है। मैं क्या करता हूँ बेसिक, मेरे को इससे कांटेक्ट बनाना है, ठीक है। मेरे पास पी है, मेरे पास एक पी मतलब क्या, व्हाट इज अ पी, पी मतलब बेसिक हो गया मेरे पास होल्स, ठीक है। जो भी सबस्ट्रेट होगा, अगर मैं बात करता हूँ पी के बारे में, तो पी का मतलब हो गया पी टाइप सबस्ट्रेट, दैट इज द मेजोरिटी ऑफ होल, मेजोरिटी कैरियर क्या है यहाँ पे, होल है बेसिक, ठीक है। जब एन टाइप सबस्ट्रेट की बात करेंगे, तो एन टाइप सबस्ट्रेट में जो मेजोरिटी होगा दैट इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब मेरे को पी बन गया, अब मेरे को इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। अट्रैक्शन कब होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव में कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव मिलेगा, तब जा करके होता है द फॉर्म करता है क्या, द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिक, ठीक है, अट्रैक्शन। तो मेरे को पॉजिटिव है, मेरे को चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मैं कैसे लाऊंगा, तो नेगेटिव के लिए जस्ट मैं ये बोलूँ आपको कि मैं यहाँ पे एक होल करता हूँ, ठीक है, एक ड्रिल मारता हूँ, ठीक है, बेसिक एक ड्रिल किया है, ठीक है, एक ड्रिल किया है यहाँ से,
ठीक है, इस तरह से बेसिक, ठीक है, इसे मैंने ड्रिल किया और यहाँ पे मैं ये दे दिया, ठीक है, ये क्या है बेसिक आपका ऊपर का, ठीक है, इसे मैं बोलता हूँ बेसिक। एक साइड से तो होगा नहीं, एक साइड और मुझे देना पड़ेगा, तो एक साइड में और दिया, ठीक है, एक साइड में और दिया, तो इसे जब मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसे ही मैंने बोला एन वेल, मैंने क्या पूरी दुनिया ने बोला, जिसने इसे डिज़ाइन किया उसने बोला, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेसिक, इसे बोलते हैं हम वेल, ठीक है, वेल मतलब कुआं। भाई वेल तो बोल दिया, बट अभी इसके अंदर है क्या पता नहीं, मेरे को अट्रैक्ट करना है इस होल को, तो इस होल को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एन प्लस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ठीक है, एन प्लस क्यों लिया, अगर एन लूँ तो एन का मतलब क्या हुआ बेसिक, अगर एन मैं बोलूँ वन इलेक्ट्रॉन है तो एन प्लस का मतलब क्या होगा, वन से ज़्यादा होगा, यानी वन प्लस, यानी टू बोल सकता हूँ, थ्री बोल सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई, ठीक है, तो मैंने क्या किया बेसिक, दो यहाँ पे वेल ले लिए, ठीक है, इसको वेल नाम दिया, ठीक है, तो ये बेसिक किसका वेल हुआ, ये एन प्लस का वेल हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का वेल हुआ। अब ये जब इलेक्ट्रॉन का वेल हुआ, अभी इसमें मुझे कुछ कॉन्टैक्ट बनाने हैं, ठीक है, बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट बनाने, वेल में तो डायरेक्ट एन को मैं लाऊंगा नहीं, एन को मैं कैसे लाऊंगा, तो एन पे मैं क्या करता हूँ बेसिक, एक रॉड लगा देता हूँ, ठीक है, एक कुछ मैं कंडक्टर लगा देता हूँ, तो इस पे मैंने क्या किया, एक मैं यहाँ से कंडक्टर लगाया और एक मैं यहाँ से इस तरह का वायर निकाल दिया, ठीक है, बेसिक समझ रहे हो बात को। आपके पास बैटरी होता है, बैटरी के दोनों एंड में आपको क्या मिलता है एट द एंड, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक मेटल का कॉन्टैक्ट मिलता है, क्योंकि वो मेटल का कॉन्टैक्ट क्या करता है बेसिक, जो फ्लो है उसे बनाता है, क्योंकि एक कंडक्टर चाहिए होता है। आप बैटरी में से अगर आप हटा दोगे दोनों मेटल को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर जो भी कार्बन वार उसके जो मटेरियल्स होते हैं जो बैटरी के अंदर यूज़ होते हैं, सेल में यूज़ होते हैं, उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाएगा जब तक उसको मेटल ही कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा। तो आप वही समझो कि मैं वही कर रहा हूँ, एक नीचे ऊपर यहाँ क्या किया, एक मेटल का कॉन्टैक्ट बनाया, तो यहाँ पर भी क्या करता हूँ मैं, एक मेटल का कॉन्टैक्ट बनाया और एक मैं यहाँ से इस तरह से निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। अब भाई सब कुछ हो गया, यहाँ से भी मैंने मेटल का कॉन्टैक्ट निकाला, सब कुछ कर लिया, तो इसका नामकरण भी तो करना इम्पॉर्टेंट है। दे दिया, क्या बोला, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है नहीं है, क्या पता चल रहा है, तो इसका नामकरण करना ज़रूरी है। इसका नामकरण करने के लिए इसे मैं बोल दिया, मैं मतलब समझो यार जो डिज़ाइन कर रहा है, मैं भी डिज़ाइन ही रही हूँ, आई एम ऑल्सो हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइनर, ठीक है, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिज़ाइन करता हूँ, तो कह सकते हैं हम लोग ने किया, ठीक है। सो इसका मैंने नाम दिया सोर्स, इसका नाम मैंने दिया ड्रेन, ठीक है, इसका क्या नाम दिया, इसका नाम मैंने दे दिया बॉडी, या बोल दूँ सबस्ट्रेट, ठीक है, बॉडी या सबस्ट्रेट, ठीक है, ये हो गया। बट मैंने अभी क्या किया, सारे कंडक्टर वाले पार्ट को लिया है ना, मुझे बॉडी के साथ भी तो करना है जो इंसुलेटर वाले पार्ट है, तो मैं क्या किया, यहाँ से एक इंसुलेटर मैं यहाँ से ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रेड रेड हो जाएंगे, तो यहाँ से मैं क्या किया, एक यहाँ पे मेटल का कॉन्टैक्ट और लगाया, और यहाँ से मैं निकाला बेसिक, जिसे नाम दिया गेट, ठीक है, गेट हो गया, तो सोर्स भी हो गया, गेट भी हो गया, ड्रेन भी हो गया, समझ में आ रहा है इतना चीज़ें आपको। हुआ क्या बेसिक, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया, ठीक है, पी टाइप सबस्ट्रेट में क्या हुआ बेसिक, अगर मैं बात करता हूँ पी टाइप सबस्ट्रेट में, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी था वो क्या था आपका, होल्स था। ऐसा नहीं कि होल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाला, इलेक्ट्रॉन भी होगा, बट दे आर इन द माइनॉरिटी, वो किस में होगा, माइनॉरिटी में होगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह से जब एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप में क्या होगा, तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी होगी वो होने वाली है आपकी इलेक्ट्रॉन, और जब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज के बारे में तो माइनॉरिटी क्या होगी, होल्स होगी, ठीक है, ये चीज़ें समझो। तो मैंने पी टाइप का सब्स्ट्रेट लिया, कोई भी मटेरियल हो, आप सब्स्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के EDC या पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, उसके अंदर आप ये चीज़ें देखते हो, कुछ भी इसके अंदर हो, अगर मैं पी टाइप की बात करता हूँ तो मेजॉरिटी वहाँ पे होल्स होने वाली है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो ये मेरा बेसिक एक कंस्ट्रक्शन बना, दैट इज अ सोर्स गेट एंड सोर्स गेट एंड ड्रेन, ठीक है। अब इसमें बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ये सोर्स है ये ड्रेन है, दोनों में कोई ऐसा स्पेशल फीचर तो नहीं है यहाँ पे, क्या इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? फॉर जस्ट अ मिनट आप आंसर दे सकते हो यस, ठीक है।
अभी के लिए आप आंसर दे सकते हो यस, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं सोर्स एंड ड्रेन को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सोर्स और ड्रेन जो होंगे वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि MOSFET जो आप प्रैक्टिकल MOSFET परचेस करोगे दैट मस्ट बी अ फोर टर्मिनल डिवाइस, अ फोर टर्मिनल कंपोनेंट। बट अगर MOSFET थ्री टर्मिनल का है तो आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आशा करूँगा आप समझ गए होंगे चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ये आप समझो यहाँ से बेसिक कि ये बॉडी है, अगर थ्री टर्मिनल डिवाइस की बात करता हूँ तो सोर्स जो आपका होता है दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद अ ग्राउंड। ठीक है, दैट इज़ ग्राउंड। बॉडी को भी हम क्या करते हैं, बेसिक ग्राउंड करते हैं। आप जब MOSFET देखते हो तो MOSFET कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से एक दो तीन पिन देखने को मिलेगा और ऊपर में कुछ इस तरह का यहाँ पे होल होगा। इसके पीछे क्या लगा होता है, इसके पीछे हम लगाते हैं हीट सिंक, शील्डिंग भी बोलते हैं बेसिक, द बेस्ट सोर्स ऑफ ग्राउंडिंग। जब आप PCB डिज़ाइन करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि शील्डिंग क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। इसके पीछे एक मेटल का हम हमेशा हाई जो हाई वोल्टेज के हाई करंट MOSFET होते हैं जहाँ पे कि हम काफ़ी हाई करंट को ड्राइव करवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिक कि इसके पीछे आपको एक हीट सिंक लगाना होता है क्योंकि MOSFET काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, उस कंडीशन में ये बॉडी ही काम आता है। तो हो क्या रहा है बेसिक, तो ये बॉडी और सोर्स जो है आपके ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में अब इंटरनली आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो बॉडी और सोर्स को कनेक्ट जब कर दिया तो ये आपका जो सोर्स था ये फिक्स हो गया कि ये ग्राउंड है। अब आपको MOSFET में केवल दो ही चीज़ों पे काम करना है और वो क्या है आपका, सोर्स और ड्रेन। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो ड्रेन से करंट फ्लो करता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा वो ड्रेन टू सोर्स होता है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करेगा, बेसिक ड्रेन से सोर्स की तरफ। ठीक है, ड्रेन से सोर्स की तरफ करेगा फुल फ्लो। ठीक है, तो इस करंट को क्या बोला जाता है, यहाँ से ID, दैट इज़ अ ड्रेन करंट। गेट से ड्रेन की तरफ जो जाएगा दैट इज़ अ गेट करंट होगा, IG हम बोलेंगे। यहाँ पे ये जो करंट होगा ये क्या होगा, IG। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, द गेट करंट इज़ ऑलवेज जीरो। वाई IG इज़ अ गेट करंट इज़ ज़ीरो, क्योंकि गेट जो है वो आपका कनेक्टेड है SiO2 से। और व्हाट इज एन SiO2, सो SiO2 इज बेसिकली अ इंसुलेटर, और इंसुलेटर के अंदर कोई भी चीज़ कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, ये आपको पता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ये जस्ट लाइक एक मार्कर है मेरे पास, ठीक है, दिस इज़ एन अ वाइट बोर्ड मार्कर, अगर इसके दोनों टर्मिनल पे एक पॉजिटिव मैं यहाँ लगाता हूँ और एक नेगेटिव को जस्ट मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करने वाला है, दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन। नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक कंडक्टर नहीं है, ये एक इंसुलेटर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक इंसुलेटर है और जब गेट पे आप कुछ भी करोगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं करने वाला है। सो ये ध्यान रखना कि गेट करंट जो होता है एक MOSFET के अंदर वो हमेशा जीरो होता है, और पूरे के पूरे MOSFET में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है वो दो ही पैरामीटर होता है, एक होता है ड्रेन वोल्टेज, गेट सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, ये सोर्स है, एक होता है आपका सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज, और सेकेंड होता है ड्रेन करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है एक MOSFET के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, ड्रेन करंट और ये सब चीज़ें आप बेसिक, अभी बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, अभी तो शुरू किया हूँ मैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या बेसिक, तो ये क्या हुआ बेसिक, सोर्स, गेट और ड्रेन। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ इसके ऑपरेशंस पे। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया बेसिक, MOS मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, दैट इज़ अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर। पैरेलल प्लेट में क्या होता है, मेटल मेटल और बीच में एक होता है डाइइलेक्ट्रिक, और डाइइलेक्ट्रिक अगर आप जितना स्ट्रांग रखोगे उससे क्या होगा कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, जिसकी वजह से ये कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको बोला कि ये हो क्या रहा है बेसिक, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, व्हाई? बिकॉज दिस इज एन अ पार्ट एक्ट एज एन अ मेटल, दिस इज अ पी टाइप सब्सट्रेट दैट एक्ट एज एन अ मेटल एंड दिस इज एन ऑक्साइड लेयर विच इज ऑक्साइड विद अ सिलिकॉन, सो इट इज कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज एन SiO2 दैट इज एन इंसुलेटर। देन बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, तो इसमें मैं पी टाइप और एन टाइप सारे चीज़ें सेमीकंडक्टर का पार्ट यूज कर रहा हूँ, सो इट इज़ एन अ सेमीकंडक्टर। एंड व्हाट इज, अभी मैंने आपको बताया था ये तीन चीज़ें जो होती हैं बेसिक, MOS दैट इज एन अ स्ट्रक्चर, ये क्या है स्ट्रक्चर है, और FET क्या होता है बेसिक, FET इज एन ऑपरेशन। सो हमने स्ट्रक्चर को देखा, अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द FET, सो FET के बारे में बात करेंगे। सो FET का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशंस, तो हमें करना है ऑपरेशंस, ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए यहाँ तक। अब इसमें आपको बेसिक क्या चीज़ें होती हैं, अभी मैं ड्रेन की बात नहीं करूँगा, अभी मैं बात करूँगा जस्ट अबाउट द गेट, ठीक है, गेट के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इस पी टाइप सब्सट्रेट में जो मेजॉरिटी है वो है होल्स, बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो इसमें मैं बुलेट से कि बोलूँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें ये मतलब सपोज करूँ ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं नो डाउट। अब मैं क्या करता हूँ, इस गेट पे मैं एक वोल्टेज अप्लाई करूँगा, ठीक है, ध्यान देना, इस गेट पे मैं क्या करता हूँ एक वोल्टेज अप्लाई करूँगा, ठीक है, मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ये मैंने बोला कि इसे तो ग्राउंड ही करना है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या किया यहाँ से एक इस तरह से गेट पे वोल्टेज अप्लाई किया और मैंने बोला ये है बेसिक VGS, दिस इज ना VGS, VGS मतलब गेट टू सोर्स का वोल्टेज, ये क्या है सोर्स है, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज मैंने क्या क्या यहाँ पे अप्लाई किया, और मैं ये अगर आपको बोलूँ कि VGS की वैल्यू क्या होगी, तो VGS की वैल्यू अगर VGS मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये अगर मैं 1 वोल्ट लेकर के इसे कंसिडर करता हूँ तो 1 वोल्ट पे क्या होगा, तो आप ये समझो 1 वोल्ट अगर जैसे मैंने दिया तो इस पे क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है, इस पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है, 1 वोल्ट एक कम वोल्टेज होता है, ठीक है बेसिक, तो 1 वोल्ट जब मैंने दिया इस पे पॉजिटिव चार्ज हुए तो ये ये क्या है एक डाइलेक्ट्रिक है, SiO2 क्या है बेसिक आपका एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, तो अभी मैंने आपको कैपेसिटर का बताया था कि डाइलेक्ट्रिक जितना स्ट्रॉन्ग अच्छा सही होगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिक ये पॉजिटिव है नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव में इतना एनर्जी होना चाहिए, इट इज जस्ट एक्ट एज अ मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको मैग्नेट के बारे में, तो मैग्नेट में क्या होता है कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब आप ले लो कपड़े को अपना ले सकते हो कि आपने क्या किया बेसिक एक मैग्नेट को ऊपर रखा बीच में कपड़ा रखा और एक मैग्नेट नीचे रखा, जब आप उसे रोल करोगे तो क्या होगा कि आपका वो रोटेट करेगा, ठीक है, आपको इफेक्ट पता चलेगा, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी होनी चाहिए, वही चीज़ होता है कि 1 वोल्ट अगर मैं बोला तो 1 वोल्ट पे सपोज करो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जो नीचे इलेक्ट्रॉन्स थे ये पॉजिटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो नेगेटिव क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन सपोज करो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है 2-4 इलेक्ट्रॉन्स आए, बट क्या इतना इस एरिया को भी मैं काम करता हूँ, इस एरिया को मैं यहाँ से सेपरेट करता हूँ, ठीक है, इस एरिया को भी मैं सेपरेट करता हूँ, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ गए, तो क्या अभी ये करंट फ्लो करेगा यहाँ से, नहीं करेगा क्योंकि कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा और वोल्टेज अगर मैं बढ़ाऊँ 2 वोल्ट करूँ, 2 वोल्ट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे और भी ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे और ज़्यादा कोशिश करेगा करंट फ्लो कराने की, अब क्या होगा कुछ इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर आएंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर आए, अभी भी चलो नहीं कुछ हुआ, एक और बढ़ाऊंगा ऊपर 3 वोल्ट करूंगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे ऊपर, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे ऊपर, मतलब क्या हो रहा है बेसिक ये समझो, मैं क्योंकि देखो कोई प्रैक्टिकल में MOSFET नहीं है स्पेशली, क्योंकि हर एक MOSFET का जो डेटा शीट आप देखोगे डाउनलोड करके तो हर एक MOSFET का अलग अलग रिक्वायर VGS होता है वैल्यू, ठीक है, तो मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ तो नॉर्मल 3 वोल्ट तक तो जाता भी नहीं है, बहुत ही मिनिमम वोल्टेज में मतलब 700-800 मिली वोल्ट में ही ऑपरेट हो जाता है डायोड, ठीक है ये, बट हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक बड़ा फिगर लेके चल रहे हैं कि हमें क्लियर हो चीजें, तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, जब ऊपर जाना इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है, यहाँ पे क्या नेगेटिव है, अभी मैं डी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ,
डी अभी मैं साइड किया हूँ, अभी मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या करने की कोशिश करेगा, रिपल करने की कोशिश करेगा। फिर से सुनो क्या बोला हूँ, VGS में ये जो सोर्स के पास है ये है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स के पास है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको ये उधर फेंकने की कोशिश करेगा, यानी ये जो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेगा कोशिश, ये इलेक्ट्रॉन करेगा इधर फोर्स करेगा फेंकने की कोशिश, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उधर इससे भी भेजने की कोशिश करेगा। तो एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा, क्या होगा, एक चैनल क्रिएट होगा, ठीक है, इसे ये क्या हुआ आपका, एक चैनल क्रिएट यहाँ पे हुआ। तो इस VGS के थ्रू क्या हो गया, एक चैनल क्रिएट तो हो गया, बट क्या अभी ये सर्किट कंप्लीट है, क्या इसमें काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी ड्रेन क्या है, खाली है, ठीक है, ड्रेन क्या है अभी खाली है, बट यहाँ से क्या हुआ आपका, इस तरह से बेसिक करंट का फ्लो हुआ, ठीक है, करंट IG इस तरह से क्या हुआ, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो ये चैनल को फॉर्म कर दिया एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, ठीक है, इसीलिए जो आपका MOSFET होता है उसे हम बोलते हैं बेसिक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, इसीलिए हम क्या बोलते हैं एक MOSFET को कि एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, आपको गेट पे कितना एक वोल्टेज दोगे मिनिमम, कि कितना वोल्टेज का मतलब है सिग्नल, आप कितना सिग्नल्स दोगे यहाँ पे कि आपका क्या हो ये MOSFET ऑपरेट कर जाए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज कितना दे कि मेरा जो फ्लो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, इतना आप समझ गए होगे अभी तक मेरे ख्याल से, नहीं समझोगे कमेंट करना, कोशिश करूंगा और भी चीज़ें, क्योंकि MOSFET के भी काफ़ी सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं, अभी तो बाइसिंग वाइसिंग पे भी आएंगे, डीसी बाइसिंग करेंगे, एसी बाइसिंग करेंगे, पावर MOSFET देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, ठीक है, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे आप देखते जाओगे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हुआ, बट अब ड्रेन पे मेरे को क्या देना है, जो आप पढ़ते हो VDS, VDD, ठीक है, VDD, तो मेरे को ड्रेन पे वोल्टेज देना है, ड्रेन पे भी चलो, अब मैं ड्रेन पे बाहर वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ अभी यहाँ से, ठीक है, चैनल फॉर्म कर लिया मैंने, ठीक है, चैनल क्या किया फॉर्म कर लिया, अब मेरे को लगाना है यहाँ पे एक VDS, सोर्स तो मैंने, ग्राउंड तो मैंने कॉमन ले रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इस ग्राउंड को यहाँ से उठ लेता हूँ और यहाँ से मैं इस तरह से यहाँ से ड्रेन पे कनेक्ट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ दैट इज VDS, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है ID, ठीक है, दैट इज़ ना ड्रेन करंट, ठीक है, ड्रेन करंट यहाँ से फ्लो किया, सो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, होगा क्या बेसिक, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे क्या था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये रिपल कर रहा था, ये क्या कर रहा था, रिपल कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये अट्रैक्ट करने की, अब सोचो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, ठीक है, ID, ठीक है, कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ करंट का, बट करंट हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव, करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, एक्चुअल जो होगा वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, नो डाउट, अभी हम यहाँ देखते समझते हैं, यहाँ पे क्या वो पॉजिटिव निगेटिव था, यहाँ से रिपल कर रहा है, मतलब यहाँ से रिपल करके धक्का दे रहा है, यहाँ से आगे भगा रहा है कि चल भाई तू निकल आगे, निकलता जा यहाँ से, और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेसिक, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे अगर मैं एक बेसिक बॉक्स बनाऊँ, इसके पास क्या है बेसिक निगेटिव है, ठीक है, ये क्या है निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी निगेटिव है, बट यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट है, तो हो क्या रहा है बेसिक, यहाँ से ये इसको फोर्स कर रहा है कि भाई तू आगे जा, और यहाँ पे क्योंकि ये निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल कर गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव निगेटिव था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अट्रैक्शन हुआ, एरो देख लेना, ठीक है, ये अट्रैक्ट किया, तो ये यहाँ से इसको पुश कर रहा है कि भाई तू आगे बढ़, और ये इसको पुश कर रहा है भाई तू आगे बढ़, और इस तरह से क्या हो रहा है बेसिक, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और करंट इस तरह से यहाँ से क्या कर रहा है बेसिक, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ, तो करंट यहाँ से फाइनली ID यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो गया इस वे में, ठीक, इस तरह से क्या होगा, करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखो कन्वेंशन क्या मैं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों रिपल किया, ये इसको पुश कर रहा है कि भाई तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, चैनल तो क्रिएट हो चुका, तू आगे बढ़, अब ये आगे बढ़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट कर ले रहा है इस नेगेटिव को, तो ये अट्रैक्ट किया, जैसे अट्रैक्ट किया ये ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया तो इस तरह से क्या हो गया बेसिक, आपका यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरफ से क्या हो गया, करंट फ्लो करना कंप्लीट आपका स्टार्ट हो गया, तो बेसिक ये है अबाउट द कंस्ट्रक्शन। अब मैंने इसमें बताता हूँ कि अब जो आप MOSFET पढ़ते हो कि दे आर द टू टाइप्स ऑफ MOSFET, सो अभी मैंने कौन सा MOSFET आपको समझा दिया, अभी मैंने आपको समझा दिया
इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट. एज पर द नेम सजेस्टेड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, बिकॉज यहाँ पे मैंने चैनल को क्या किया है, इन्हांस किया है, चैनल को क्रिएट किया है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गेट वोल्टेज देके. मैंने गेट पे एक पर्टिकुलर एक ऐसा वोल्टेज दिया जिससे कि ये चैनल फॉर्म हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, करंट आपका फ्लो करने लग गया. आपने आईडी पर ड्रेन करंट आपने फिक्स कर दिया, तो आपका क्या हुआ, करंट यहाँ से फ्लो करने लगा. प्रैक्टिकल चीज़ एकदम बताया हूँ इसमें, चाहे आपका करंट का डायरेक्शन हो, चाहे जो भी हो, करंट का डायरेक्शन हुआ, वीडियोस हो गया, आपका सारा चीज़ बताया. अब होगा क्या यहाँ पे बेसिक, ये आईडी, ठीक है, जो करंट है कितना फ्लो कर सकता है, दिस इज एन अ ड्रेन करंट, ये आईडी कितना फ्लो करेगा और कितना. अब आपको मैं ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर अप करूंगा, क्योंकि अब अभी अगर मैं इस चीज़ पे डिस्कस करूंगा तो अप्रॉक्सीमेट मेरे को 15 से 20 मिनट का और वीडियो हो जाएगा. तो आप इसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखना, ठीक है, क्योंकि ये आईडी को अब एक्सप्लेन करूंगा पूरा. तो इसके लिए मुझे एमपीएन, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डायोड का कॉन्सेप्ट बताया था, वो डायोड का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि ये है पी, ये है एन, ये है एन, और एन पी एन मिलकर बनता है बेसिक एक ट्रांजिस्टर. क्या बनता है? एक ट्रांजिस्टर बनता है. तो अब मुझे इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रांजिस्टर पे भी एप्लीकेशंस पे समझना होगा आपको, ठीक है, कि क्या हो रहा है. क्योंकि अभी क्या होगा, फिर यहाँ पे चैनल का विड्थ कमेगा, चैनल का विड्थ, क्योंकि एक लिमिट कितना, अब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है कि होल्स क्या होंगे, सारे के सारे नीचे बैठेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये ऊपर लेगा, और ऊपर लेते लेते क्या करेगा, इसकी थिकनेस जो है, जो चैनल है, चैनल की थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ चैनल क्या होगा बेसिक, आपका बहुत ही कम जाएगा. और जब चैनल थिकनेस कमेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा. आपको पता होता है कि एक अगर मैं दो वायर लेता हूँ, एक पतला वायर लेता हूँ, एक अगर 10 एमएम का वायर लेता हूँ, एक 50 एमएम का वायर लेता हूँ, तो 10 एमएम का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता, काफ़ी ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि उस रेजिस्टेंस की एक कैपेसिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा करंट को फ्लो नहीं करने देगा, इतना ही करंट को फ्लो करने देगा कि वो करंट पास कर जाए. अदरवाइज तो क्या होगा, वायर आपका पिघल जाएगा, वायर आपका जल जाएगा, जो आपके वायर होंगे वो बर्नआउट हो जाएंगे, ठीक है. उस करंट को हम बोलते हैं बेसिक सैचुरेशन करंट, और जिस वोल्टेज पे वो सैचुरेट करेगा उसको बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है. उसे क्या बोलेंगे, बेसिक पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे. उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप गेट करंट को अब गेट वोल्टेज को बढ़ाओ, जिससे क्या होगा, थिकनेस आपकी थोड़ी सी और सही होगी. वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पिंच ऑफ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि डिप्लेशन टाइप अब के जो मॉस्फेट है उसे भी कवर अप कर ले, ठीक है. तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच.